निकाली गई है, किस मकसद से रैली निकाली गई है? ये जो है केंद्र सरकार द्वारा ऐसी भयंकर महामारी में, वैश्विक बीमारी जो पूरी दुनिया के अंदर त्राही त्राही मच हुई है, इस कोविड-19 से, उसके लिए जनता जूझ रही थी और सरकार ने ऊपर से डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर दी, बराबर वृद्धि करती चली जा रही है सरकार। हम सरकार के विरोध में, समाजवादी पार्टी के ये हमारे फ्रंटल के युवा और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। ये समाज विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। महंगाई दिन पर दिन चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है, जनता त्राई त्राई कर रही है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, ये मजदूर विरोधी सरकार है। तो हम बराबर जनता के बीच में जाकर इस सरकार की पोल खोल रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा लगातार 23 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में जो वृद्धि की जा रही है, उसको लेकर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, आह्वान पर श्री अक्षय यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सड़कों पर निकले हैं। ये आह्वान प्रपत्र बांटते हुए अपनी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे हम लोग। उसके बाद जैसे आप 2013 में देखते थे कि जब पेट्रोल डीजल की मूल्यों में वृद्धि होती थी, तो ये सरकार में जो आज मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, ये लोग सड़कों पर निकल जाते थे और सरकार को कोसते थे। आज अगर कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ़ बोलता है तो ये कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना या घटाना हमारे हाथ में नहीं है। तो उस समय सरकार के हाथ में कैसे था? मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ। एक तो दूसरी चीज़, जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें 100 रुपये से ऊपर थीं, उस समय पे पेट्रोल डीजल के दाम भारत में 60 रुपये से 65 रुपये थे। आज कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देश जिनके पास अपनी कोई रिफाइनरी नहीं है, वो देश हमसे पेट्रोल लेते हैं। उन देशों में हमसे कहीं, पाकिस्तान में पिछले लॉकडाउन के दौरान 27 रुपये तक पेट्रोल के दाम गिरे थे, लेकिन हमारे यहाँ 80 से पार जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो, एक तो जनता कोविड से लड़ रही है, वैश्विक महामारी से लड़ रही है, रोज़गार मिल नहीं रहा है, रोज़गार ख़त्म हो गया, और कहीं ना कहीं सरकार जनता की, गरीब जनता की जेबों पर डाका डालने के काम कर रही है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अगर आगामी समय में हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी। धन्यवाद।